¿Qué me das a mí? Cholo, pues malo. También curtía para ti la vida. मैं मेरे पेशेंट्स धर्मिष्ठाबेन के यहाँ आया हूँ। धर्मिष्ठाबेन है और उनके साथ उनका बेटा कल्पेन भाई और उनकी डॉटर डॉली बेन भी साथ में है। अब सुनते हैं कि उनकी हिस्ट्री के आगे क्या उनकी तकलीफ हुई और जो जो ट्रीटमेंट किया और अभी क्या है धर्मिष्ठाबेन का, इसके लिए हम बात करेंगे। कल्पेन भाई आप बताइए कि क्या हुआ था मम्मी को और उनकी उस वक्त क्या कंडीशन थी और आपने क्या ट्रीटमेंट करवाया। 19 फरवरी को 2019 में इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था। तब उनको कुछ भी होश आवाज नहीं था, ना वो खुद अपने हाथ से खाना खा सकती थी, लेटरिन बाथरूम वगैरह का उसको कुछ भी होश आवाज नहीं था। डॉली बेन आप बताइए कि उस वक्त क्या क्या ट्रीटमेंट करवाया था उनको, जब ब्रेन स्ट्रोक आया तब क्या सिम्टम्स थे, शुरू में क्या उस वक्त क्या तकलीफ थी और उस वक्त उनकी क्या कंडीशन थी। शुरू में उनको मुंह एक साइड हो गया था, जैसे लकवा मार जाता है वैसे। हम कुछ भी बोले उनको कोई पता ही नहीं चलता और उनका बैठना चलना बोलना सब कुछ बंद हो गया था। तो आप मतलब उनको चेयर पे ही बैठते थे और वैसे ही बेड पे ही लेटे रहते थे। बेड पे ही। और जब उनको न्यूरो फिजिशियन के पास ले गए तो उन्होंने क्या उस वक्त बताया था। उनका रिपोर्ट्स देख के और MRI देख के ऐसा बोला कि उसका कुछ हो ही नहीं सकता, अब वो जितना हो सकता आप सेवा कर लो, वो ज्यादा नहीं जिएगी, ऐसा बोला था। धर्मिष्ठा बहन कैसा लग रहा है आपको, क्यों लागे छे तुमने? सारू लागे। जब इसको ब्रेन स्ट्रोक आया था तब सभी डॉक्टर के पास गए थे, MD फिजिशियन और न्यूरोसर्जन के पास, और न्यूरोसर्जन ने बोल दिया था कि ये केस डेडी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, 10-15 दिन जिएगी, आपको सेवा करनी उतना इतनी सेवा कर लो, पुण्य कमा लो, इतना ऐसा बोला था। लेकिन ये मिरेकल है होम्योपैथी में कि ये अभी नॉर्मल होती जा रही है, तो मेडिकल साइंस के लिए भी ये मिरेकल है। मेडिकल साइंस को अब इस पर रिसर्च करना चाहिए। 6 महीने पहले तो ये कोमा की परिस्थिति में थी, उनको लेटरिन बाथरूम का खाने पीने का कुछ भी सेंस नहीं था, सब हमको खुद कराना पड़ता था, और वो बिस्तर भी गीला कर देती थी बार बार, और कुछ बता नहीं पाती थी हमको, एक नहीं एक बात। हाँ, और पूरे दिन एक नहीं एक बात बोल रही थी और पास्ट में चली जाती थी बार बार। और अभी तो 6 महीने दवा के हुए स्टार्ट किए, दवा स्टार्ट किए 6 महीने हुए और एकदम ठीक हो गई है। अब तो सब उनको खाने पीने का सब सेंस आ गया है, सबको पहचानती है, बातचीत करती है, खुद खाना खाती है, सब कुछ करती है।